मैं साहब, मैं साहब वो बड़ी ने मैं मुबारक को गोली मार दी। हमारा भाई है ना माँ, मामा वो हमारा भाई है ना। बात पे राजी हो जाए मामा, अगर आपसे कुछ छिन गया है तो हमें कुछ मिल गया है। अगर आपका नुकसान हमारे मुनाफे के बराबर है तो हिसाब की रूह से नुकसान नहीं हो मामा। सौतेली माँ, इस तरह के हिसाब में कमजोर होती है भाई। गोलियां निकल गई हैं मेरे साहब, हालत अब खतरे से बाहर है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गोली मार दी। सबको सूली पर लटकाने की कसम खाई है। सूली पर कोई नहीं लटकेगा खाला, वो टीट ही पड़ा था, जिंदा बच गया। बड़ी मेहरबानी, जान बख्शने की बड़ी मेहरबानी तेरी। तुझसे ये पूछने आया हूं कि पेश हो जाऊं।
पेश हो जाऊं जोरा। देखने आया है कि फिर इजाजत मांगने ना आपाजी। और ना आपाजी क्या है? और तू यहां करने क्या आया है? निकाह बच गया है तेरे में सुकून का सांस लेने के सदके जाऊं है हुक्मा। निकाह बच गया है बाजी, तो आप ही सुकून का सांस ले। निके की आई अल्लाह जानता है बली कौन है बाजी। ठहर भैया, मुबारक को गोली मार के वो गोलियां खाने के लिए नहीं बैठा। उसको गुस्से में मारने के बजाय अकल से मार। अकल वाला काम नक गया बाजी। अब ना मुझे इजाजत चाहिए, ना किसी की सलाह चाहिए। हुक्मा एक बात याद रखी है, मुझे ये खबर न मिले कि बाली बच गया है। बाली बच गया ना बाजी, तो अपनी गर्दन वट के आपकी तली में रख दूंगा। क्या हुआ यावर अंकल? क्यों? बूम बाली, बाली ने मेहर मुबारक का खून कर दिया है। क्यों आए यहाँ? पुलिस को खबर हो गई तो? पुलिस को खबर हो गई तो पुलिस नहीं आएगी जोरा। क्यों नहीं आएगी? मैरो ने पर्चा ही दर्ज नहीं करवाया तो पुलिस कैसे आएगी? ये कैसे हो सकता है? मैर हुक्म ने पैगाम भेजा है, पर्चा नहीं होगा बाली, गोली के बदले गोली चलेगी। क्या होगा?
जो देखो पता नहीं जोरा, गोली चलेगी तो किसकी बंदूक से चलेगी? अब गोली तेरी बंदूक से नहीं चलेगी। गोली मेरी बंदूक से ना चली तो मैं हुक्म की बंदूक से चल जाएगी। बाली की मौत मंजूर है तो हुक्म कर, हुक्म की गोली खा लेता हूं। बोल अपनी अपनी मर्जी बोल। और बाली को मारने की मर्जी, जगह और वक्त मेरा होगा। ओ चलिया, तू बस ये पता करके बता कि किस किस वक्त कहां कहां होता है वो, बल्कि ये पता कर कि अपने घर किस वक्त होता है। सुना है मंगेतर बड़ी सोनी है, उसकी इश्क करती है उससे। हाय रब्बा, ओए उसके सामने मारूंगा तो बड़ा रोएगी वो। और तत्या, उस बेचारे को मारने का स्वाद नहीं आता जिसकी लाश को रोने वाला जज से रोए ना। ओए ये जो आशिक लोग है ना, ओए बेवकूफा, रोते भी जज से हैं और रोते भी राज के हैं। तू बतावे निके को होश आया है कि नहीं? अभी होश नहीं आया मेहर साहब। ओए बाली के होश जाएंगे तो मुबारक को होश आएगा ना। मुबारका, मैं समझता था कि हुक्म की जल्दियां डबोएंगी, पर अशोदया तू तो हुक्म से भी ज्यादा जल्दी में। सियाने कहते हैं कालियां अगे टोए पुत्रा। क्या होगा यावर अंकल? ये तो कोई बाली से पूछे कि अब क्या होगा। हमारे गांव में तो आठ के बदले आठ होता है और नौ के बदले नौ होता है। जिसने मौत को दो लम्हों की दूरी से देखा यावर अंकल, वो किसी को कैसे मार सकता? वे रामस,
तुझे पता नहीं है, कभी कभी मारने वाले से ज्यादा कसूर मरने वाले का होता है। अब तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया होगा यावर अंकल। वो फिर घर से निकलकर जेल में, जेल से फांसी पर और फांसी से। फांसी दूर है रवि, लेकिन हुक्म उसके सर पर पहुंचने वाला होगा। आप कहां जा रहे हैं यावर अंकल? मैं हुक्म की फितरत से वाकिफ हूं। वो भाई का जनाजा उठने से पहले बाली की कब्र को देखा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। हेलो, मैं चाचा जी आपका भतीजा यावर कमाल। मेहर मुबारक अभी जिंदा है, इसलिए तुझे फोन करने की खुशी नहीं होगी यावर कमाल। अल्लाह का शुक्र है कि वो जिंदा है। मैंने उसकी जिंदगी के लिए बड़ी दुआ की है चाचा जी। तेरी सात पीढ़ियों में कभी किसी ने मैरों के लिए दुआ नहीं की है। मैं अब जनाजों की गिनती बंद कर देना चाहता हूं चाचा जी। हां जी, आओ चाचा जी मिलकर कोई ऐसी सबील करते हैं कि जख्म मेर चराग को लगे और पीढ़ यावर कमाल के पिंडे में आओ। ये पीड़ है उस वक्त तो नहीं हो सकती है ना पुत्र जी। पहले अगर मेहर मुबारक को जख्म लग गए हैं तो अगली दफा आपकी पीड़ का इंतजाम हो जाएगा। दुश्मनदारी में ये तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना पुत्र जी। मैं तो कहता हूं रल मिल के बैठ जाए चाचा जी। बंदे मारने की जिम्मेदारी रब के पास रहे तो रब खुश रहता है। अल्लाह, हम दोनों में किसी को माफ करने की पहल तो करनी पड़ेगी। बाली मर जाए यावर कमाल तो मैं पकल्लम खुद माफी मांगने की पहल करूंगा। ना चाचा जी, तेरा फोन लेट हो गया पुत्र, और हुक्म जरा जल्दी में निकल गया। बाली का मामा जी। में रहता था तो दस दस कोस पर मुटियारों को हुक्म का नाम पक्का पानी याद था। ओए तू शहर में रहती है ना, इसलिए तेरी पुल चुक माफ। जिस शहर में तू आया है वहां का
बच्चा बच्चा जानता है इस घर में बाली रहता है। हाँ यही तो सुन के आया हूं कि मरण जोगा इसी घर में रहता है। अब बोल उसे, उसके लिए हुक्म आया है। सुनेगा तो मार देगा तुझे। ना बलिए ना, मौत वाली बाजी पलट गई है। मेरे पिंड में सियाने कहते हैं, मौत के साथ जाओ ना तो काम पूरा करके आओ, वरना मौत गुस्सा करती है। और मौत गुस्सा करे ना तो अल्लाह की कसमें मुबारक की आई बाली को आती है। बाली को तुम मेर मुबारक, निकाह वीर है मेरा, पर ओए हुसना बिटिए तू कौन लगती है उसकी? अल्लाह दी कसमें अगर तू उसके रोने वालों में से है ना तो तेरी आंख का सारा कजला डुल जाना है। बोल बोल ओए, किधर है वो? वो घर पर नहीं है। ओए रब्बा, ओए ओए, मौत से नस कर कोई जाए तो किधर जाए? ना चल, तू बैठ के इंतजार कर, मेरे जाते ही उसकी खबर आनी है तुझे। ओए हुसना बिटिए, ओए कभी जब आंखों में कजल लगाया करे ना तो कुंडी लगा के रखा कर, अल्लाह दी सौ, अल्लाह दी सौ, हुक्म का इरादा पक्का ना हो तो बली की जान बख्शी कर दूं। अल्लाह दी सौ। क्या हुआ मौजू, और क्या हुआ? तू तो इस तरह भाग कर आया जिस तरह बंदा मौत से डर कर भागता है। मैं रुकम आया था।
मेरे इलाके में तेरे घर पर। ओए मौजू, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? मैंने अपनी आंखों से देखा बाली, उसने पैर के ठुड्डे से दरवाजा खोला, वेड़े में दाखिल हुआ, जोरा को धमकियां दी, अगली बार फिर आने का बोलकर वापस चला गया। पैर के ठुड्डे से दरवाजा खोला, घर के अंदर दाखिल हुआ, जोरा को देखा, उसे धमकियां दी। मर गया है उकमा। ना ना बली ना, कोई दिल गुर्दे वाला काम करे तो उसे शबाश ना दूं। मैं हुक्म के मोटे पर थपकी मार कर कहूंगा, शबाश है मेरा, मरने से पहले तेरी छाती पर बाली को ललकारने का तमगा लग गया। मैं तेरे साथ चलूंगा, बचाएगा उसे। मैं तुझे हुक्म को जान से मारने नहीं दूंगा। नहीं मारी, मेरे मुंह पर चपेड़ मारी है। तेरे मुंह पर हुक्मा, तेरे मुंह पर मेरा दिल चाहता है मैं चपेड़े मारू। तेरी फूं फूं से तो लगता था कि अदा शेर मार के पिंड जाएगा तू। मुझे लगता है कि अपने ही किसी सज्जन का जनाजा लेकर जाएगा तू। अम्मा, वो किसी की अर्ज नहीं सुनेगा तो कोई ना कोई हुक्म ठुड्डा मार के उसके घर का दरवाजा तो खोलेगा। पर अम्मा ये तो बता कि हम उसके हिस्से के ठुड्डे क्यों खाएं? बाली क्या रे, मत मारी गई है जोरा। अरे क्या करके उसने राजी होना? मां मर गई, बाप मर गया, बाकी रह गए हम दोनों। पर अम्मा मैंने बाली की दी हुई मौत नहीं मरना। शोदे ने हरे आप मरना है जोरा। कोई किसी को मारे ना तो मौत जाते जाते मारने वाले का घर देख कर जाती है। तू फिक्र ना कर, इस बार मैं सीधी बात करूंगी उससे। तू क्या बात करेगी अम्मा? मैं बात करूंगी उससे। हुक्म का बताएगी उसे? बताऊंगी। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर उसे मारने चल पड़ेगा। मैं हुक्म का बता के अर्ज करूंगी कि बाली साहब, मेरा रास्ता ये, आपका रास्ता वो। तेरा रास्ता कौन सा जोरा? मेरे रास्ते में मिनट मिनट बाद कब्रिस्तान नहीं आता।
कल मैंने तुझे कहा था कि पिंड वापस डर जा। बोल क्यों कहा था? इसलिए हुक्मा कि शहर में मुबारक के होते तेरी जरूरत नहीं थी, पर आज बाली ने मुबारक को गोलियां मार के सुनिया भेजे है कि नहीं हुक्मा नहीं, शहर छट के ना जाई। तू बोल क्यों नहीं रहा है? मेरे मास्टर जी ने इतना सबक नहीं पढ़ाया मुझे जितना मेरे अब्बा जी ने तेरा नाम याद कराया मुझे। बस फिर तुझसे मिलने का शौक चढ़ गया मुझे। अल्लाह दी सौ वो शौक मुझे तेरे पास ले आया। ओए तत्या, सुना है शहर में बस तू ही एक बाली है। अश्क हुई अश्क, अब तू भी सुना वहां पिंड में भी बस एक ही हुक्म है, एक बाली एक हुक्म। अल्लाह जानता है जहां हुक्म होता है वहां पर बाली को निकल जाने का हुक्म होता है। शेर मारने के लिए चार गिद्दड़ काफी नहीं है हुक्मा? और नहीं हो चलिया ये तो लागी है, ओए अतला देने आए हैं तुझे, अतला देने आए हैं कि अब इस जंगल में दूजा शेर आ गया है। और तेरे लिए खबर ये है बाली कि अब इस जंगल में तेरी लोड़ कोई नहीं, तेरी लोड़ कोई नहीं। ओए चलिया Oh!
बाली को दसवाए जाके बाली मर गया।